हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपन लेशन नंबर एक रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का कृषि में महत्व। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व, क्योंकि अब अपन को कृषि रसायन को पढ़ना है, तो यहाँ पर अपन रसायन विज्ञान का कृषि में महत्व भी पढ़ेंगे। अगर देखा जाए वर्तमान समय में आपको भी खुद को ये चीज महसूस होती होगी कि बिना रसायन के आजकल कृषि का उत्पादन संभव नहीं है। जैसे बात करूं मैं आपको, फसल को बोने से लेकर पककर घर पर लाने तक अपन बहुत सारे रसायन यूज करते हैं। सिंपली मैं आपको बात करूं, जब फसल की बुआई होती है तो उस बीज को उपचारित किया जाता है, उसमें रसायन प्रयोग में लिया जाता है। जब उसका पौधा हुआ आता है तो उसमें कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, रसायन प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर? फिर वो तैयार होके उसको अपन घर पे ले आते हैं, उसको अगर अधिक समय तक अगर अपन को रखना है तो उसके लिए भी अपन को रसायन का प्रयोग लिया जाता है। तो आज के समय में कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रसायन उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे बात करूं मैं, अपने पास में आपका जो है, इसकी बात करूं फर्टिलाइजर, इसकी बात करूं मैं फर्टिलाइजर जो आपका खाद होता है, इसकी बात करूं मैं आपको रासायनिक खाद, कौन सा खाद, रासायनिक खाद। दूसरा आपका जैविक खाद। फिर बात करूं मैं जीवांश खाद, ये सारे आपके किससे बने होते हैं, रासायनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। इनके बगैर आपका फसल का उत्पादन, इसकी बात करूं मैं फसल का उत्पादन संभव नहीं, उत्पादन बढ़ा नहीं सकते, उत्पादन कर नहीं सकते। क्लियर? इसकी बात की मैंने, रासायनिक खाद की बात की, जैविक खाद की बात की और जीवांश खाद की बात की। ये रसायनों से मिलकर बने होते हैं, इनकी के बिना फसल का उत्पादन संभव नहीं है। क्लियर बेटा? इसके अलावा कृषि से जुड़ी हुई बहुत सी क्रियाएं होती है आपकी, कृषि से जुड़ी हुई बहुत सी क्रियाएं होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, जिसको आप कार्यकी में पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे आप पादप कार्यकी, कार्यकी जिसको बोलते हैं आप फिजियोलॉजी। तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, वृद्धि, वाष्पीकरण, राइट, फलन, फल लगना, ये सब क्रियाएं किनसे कंट्रोल होती है, रसायनों से। किनसे कंट्रोल होती है आपकी, रसायनों से। खरपतवार नियंत्रण, राइट, पौधों की वृद्धि आदि सब चीजें जो होती है वो, फसलों की बीमारियां, भूमि को उपचारित करना, ये सब किससे होती है आपकी, रसायनों से। किससे होती है, रसायनों से। इसकी बात की मैंने, खर पतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण, क्लियर, भूमि उपचार, क्लियर। इसके अलावा पादप कार्यकी में क्या पढ़ा अपन ने, प्रकाश संश्लेषण, जानते हो सब प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, वृद्धि, फलन, फूल लगना, फल लगना, ये सब क्रियाएं किनसे, रसायनों के द्वारा नियंत्रित होती है। इसके अलावा
अच्छी फसल का उत्पादन करने के लिए अपन एक यूज करते हैं अपन कीटाणुनाशी। इसकी बात करते हैं बेटा कीटाणुनाशी, इसको बोला जाता है इंसेक्टिसाइड। क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड, कीटाणुनाशी। क्लियर। दूसरा है आपका पीड़क नाशी, इसको बोला जाता है पेस्टिसाइड, पीड़क नाशी। क्लियर बेटा। फिर बात करें अपन किसकी, खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी, इसको बोला जाता है वेडिसाइड, आता है आपका फफूंद नाशी, इसको बोला जाता है फंगीसाइड। क्लियर। ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? आपके रसायनों से मिलकर बने हुए होते हैं। आगे बात समझ में। सबसे पहले किसकी बात की अपन ने? रासायनिक खाद, जीवांश खाद, जैविक खाद के बारे में बात की अपन ने। फिर किसकी बात की अपन ने? पादप कार्यकी की, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, वृद्धि, फलन, खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण, भूमि उपचार। फिर किसकी बात की अपन ने? फसल की वृद्धि के लिए कीटाणुनाशी, इंसेक्टिसाइड, पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड, खरपतवारनाशी, वेडिसाइड, फफूंदनाशी, फंगीसाइड, इनका प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। यहां तक कोई दिक्कत है? आजकल दवाइयां कौन कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्प्रिन, सल्फाडाइजीन आदि दवाइयों का उपयोग जिनमें रसायन प्रयुक्त होते हैं उनको उपयोग किसमें किया जाता है? विभिन्न बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। तो यहां भी क्या प्रयुक्त हुए? आपके रसायन प्रयुक्त हुए। क्या प्रयुक्त हुए बेटा? रसायन प्रयुक्त हुए। फिर बात करूं मैं रसायनों को भूमि सुधारक, इसकी बात करूं मैं आपको भूमि सुधारक, या कहेंगे मृदा सुधारक। भूमि की बात करें तो मृदा सुधारक के रूप में, किसके रूप में? मृदा सुधारक के रूप में। अगर अपनी मृदा क्या हो जाती है? मृदा क्या हो जाती है बेटा? अम्लीय हो जाती है। मृदा क्या हो जाती है बेटा? अम्लीय हो जाती है। उस कंडीशन में अपन क्या प्रयुक्त करते हैं उसको सुधारने के लिए? चूने का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मृदा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चूने का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, और क्षारीय मृदा के सुधार के लिए इसका करते हैं जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। मृदा सुधारक के रूप में भी रसायन, चूना एक रसायन है। कौन सी मृदा? अम्लीय मृदा। अगर ज्यादा मतलब मृदा में अम्लीयता ज्यादा हो जाती है, मृदा में एक क्षारीयता ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ये दोनों भी क्या है? रसायन है। बात करें यूरिया, एक रासायनिक खाद है। क्या है बेटा? रासायनिक खाद। ध्यान से देखिए, क्या ये रासायनिक खाद? क्या ये रासायनिक खाद? इसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया। इसका संश्लेषण कहाँ गया? प्रयोगशाला में किया गया, जिससे वैज्ञानिकों ने कौन से सिद्धांत की बात की? जैव शक्ति सिद्धांत। इसकी बात की आपकी
देव शक्ति सिद्धांत की बात है, इसको चुनौती दे डाली। इसमें कहा गया जीव का निर्माण जीवों से होता है, तो यूरिया के रासायनिक निर्माण देखेंगे, प्रयोगशाला निर्माण से वैज्ञानिकों ने कौन से सिद्धांत को चुनौती दी, जीव शक्ति सिद्धांत को चुनौती दी। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि रसायन के उत्पादों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जो कृषि में प्रयुक्त होते हैं, अतः रसायन विज्ञान का कृषि क्षेत्र में बहुत 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 ज्यादा महत्व है। आगे बात समझ में, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास समझ में आई होगी आपको। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।